गुड इवनिंग। देखिए, दो बातों के लिए आज मेरे पास में मेरे फॉर्मर साथी क्रिकेटर्स व यूट्यूब के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके फ़ोन और एसएमएस लगातार आ रहे हैं कि के भाई या के सर, ये बीसीसीआई की जो पेंशन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स को मिलती है वो डबल हो या 5 से 24 मैचेस खेले हुए क्रिकेटर्स को जो है उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। ये जो मुद्दा आपने उठाया है उसके लिए धन्यवाद। देखिए, मैं तो हमेशा ये जो है न्यायोचित बात करने की चेष्टा करता हूँ कि पहले बीसीसीआई के पास में उतना धन नहीं हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है बहुत ही शानदार स्थिति है। लेकिन क्रिकेटर्स जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी स्थिति जो है वो उतनी शानदार, जिनको जॉब नहीं है उनकी उतनी शानदार स्थिति नहीं है। लेकिन बीसीसीआई को तो यहाँ पर हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते ना इन सब चीज़ों के लिए। बीसीसीआई जो कर रही है वो तो एक प्लस चीज़ है हमारे लिए ना, एक एडिशनल चीज़ है। चलिए, खैर, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कुछ मेरे दोस्त ने ये भी एडवाइस किया है मेरे को कि पृथ्वी शॉ जो अभी सचिन तेंदुलकर से जो आप नेक्स्ट सचिन की बात कर रहे हैं वो किसी प्रकार से सचिन से उनकी जो कंपैरिजन करना वो उचित नहीं लगता। देखिए, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि सर्वोत्तम से जो तुलना जो है वो होती रही है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, सर्वोत्तम से ही तुलना की जाती है। विराट कोहली जब आए थे तो इनिशियली धीरे धीरे जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था तो उनके आंकड़े जिस प्रकार से बनते जा रहे थे तो प्रदर्शन उनका देखते हुए सचिन से उनकी तुलना होने लगी थी। परंतु ये बच्चा देखिए, ये 18 वर्षीय जो है ये 546 रन की जब इन्होंने स्कूली एक मैच के दौरान जो नॉक खेली थी उसके पश्चात से ये बच्चा अपने आप ही लाइमलाइट में आ गया था। विश्व भर में इसकी चर्चा हुई थी और अखबारों ने और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जमकर जो है इसका कंपेरिजन जो है वो सचिन से करना स्टार्ट किया था। देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ मेरठ में कि गुणवान के घर धनवंता, गुणवान व्यक्ति के यहाँ धनवान व्यक्ति अपने आप पहुँच जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास गुण है तो आपको किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी नहीं। इनके जो पिताजी हैं पंकज जी, वो एक कपड़े के बहुत छोटे से व्यापारी थे। ये 4 साल की उम्र में जो है ये बच्चा जो है अपनी माताजी को खो चुका है, है? उसके पिताजी का सेक्रीफाइस देखिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। व्यापार भी छोड़ दिया उन्होंने और 4-5 साल की 6 साल की व्यवस्था से ही ये जो इसको ग्राउंड ले आने लगे थे, MIG ग्राउंड ले आने लगे थे। थाने से MIG तक पहुंचने में कम से कम नहीं तो 2 घंटे लगते हैं और कभी बारिश है, कभी जो है वो नेट्स नहीं हो रहे हैं, कभी प्रैक्टिस की जो ट्रैक की वजह से जो है वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। बट ये देखिए कि उस टैलेंट को स्पॉट किया गया 10 वर्ष की उम्र अवस्था में थे शायद वो, या 11 वर्ष की अवस्था में। नीलेश कुलकर्णी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उनकी एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है, नीलेश स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी, उसने उसको अडॉप्ट किया और 3 लाख रुपए की उसको स्कॉलरशिप देनी स्टार्ट कर दी। बच्चा धीरे धीरे जो है वो डेवलप करने लगा। मेहनती तो ज़बरदस्त, शुरू से टैलेंटेड तो थे ही वो। उनके कोच जो राजू वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते थे। एक फ्रेंड ने उनकी हेल्प कर दी, वो थाने की जगह सांता क्रूज से वो बच्चा आने लगा और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं सांता क्रूज और MIG के बीच की अगर हम बात करें। MIG एक बहुत शानदार क्रिकेट क्लब है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, मुंबई के अंदर बहुत ही बढ़िया वहाँ क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लब बहुत बढ़िया है। मैं वहाँ पर मैच खेल चुका हूँ और वहाँ पर मैं क्लब को भी काफ़ी प्रवीण आमरे जो मेरे फॉर्मर जो मेरे साथी क्रिकेटर रहे और उनके साथ में मैं काफ़ी जा चुका हूँ वहाँ पर। अब आप देखिएगा टैलेंट को स्पॉट करने वाले लोग होते हैं, नीलेश ने स्पॉट किया। अब SG कंपनी ने उसको 3.5 करोड़ रुपये में 14 वर्ष की अवस्था में उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और क्या हुआ, मुंबई क्रिकेटर्स ने जैसे ही उसको मौका दिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए, रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, और वो भी मुकाबला कहाँ खेला है, सेमीफाइनल मुकाबला टर्नर्स के अगेंस्ट, 100 बनाया उस लड़के ने। दिलीप ट्रॉफी का मुकाबला खेला, क्या हुआ, 100 बनाया उस बच्चे ने, 1.25 करोड़ रुपये में उसको IPL फ्रेंचाइजी ने खरीदा, परफॉर्म किया पहले मैच में ही और छा गए सारे विश्व पटल पर। एक प्रकार से एक छोटा सा बच्चा, ऐसा असाधारण व्यक्तित्व, ऐसा असाधारण प्रदर्शन उसका। हाइट कितनी है उनकी, 5 फुट 4 इंच लगभग, वो ही सचिन के आसपास की हाइट। कंपैरिजन होते हैं तो मेरा आपको ये समझाने का मतलब ये है कि हम सेब और संतरे का कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, गुण दोनों में ही बहुत होते हैं, वो अलग बात है कि सेब सेब ही है, सो यू कैन नॉट कंपैरिजन बिटवीन एन एप्पल एंड ऑरेंज, बट द गुण बिटवीन सेब एंड ऑरेंज यू नो लिटिल बिट सिमिलर। तो एक परफॉर्मेंस आया था इसलिए मैंने जो है वो पृथ्वी शॉ का कंपैरिजन, लेट्स सी कि वो बहुत बढ़िया करें। चलो हम लोग दुआएं मनाते हैं पृथ्वी के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए, और जो मैच होगा ना, जो लास्ट मैच होगा, हमारी टीम एशिया कप को जीत कर अजय लौटे वहाँ से, ये हम सब लोग आइए हम दुआ बनाते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के क्रिकेटर्स के लिए। बट कंपैरिजन तो होगा।